हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रूही आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह का बोर्ड लेके आई हूँ। ये देखिए बकरम है, इसकी आवाज़ भी सुन रही होंगे आप लोग। ये बकरम है, बकरम बोर्ड मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है, उस पर पेंट करके। इस पर भी मैं पेंट करूँगी, पर इसको मैं बनाऊँगी साबूदाने से। ये साबूदाना है जो खाने में यूज़ होता है, कुछ भी आप इसका बना कर खाएं। देखिए मैं इस पर रख कर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये साबूदाना है, इसी से मैं आपको ये फ्लावर बनाऊँगी, बताऊँगी ये कैसे बनेगा। ये इस तरह से मैं इस पर पूरा सेट करके आपको बताऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनता है। ये आपको फेविकॉल चाहिए या जो भी आपके पास है उससे आप बनाएं, और इसको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देकर बनने पर यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे पूरे को आउटलाइन भी बना सकती हैं आप, और चाहें तो आप इसको मैं बर्ड्स से फैला दूंगी, आप चाहें तो ब्रश भी ले सकते हैं, जी कोई भी चीज़ जिससे आप अच्छे से इसको फैलाना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर गूंद लगाकर अच्छे से साबुदाना जो है उसको लगाना है, बैठाना है इस पर। अच्छे से इसको लगा लेना है। देखिए इसको इस तरह से बैठाना है। थोड़ा आपको इसमें मेहनत तो लगेगी, थोड़ी सी आपको इस तरह से इसी तरह आपको फिर पूरे को बैठा देना है। आप सोचेंगे कि हम एक बार सब डालकर ही क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसे करने से ये आपका शेप सही नहीं आएगा और खूबसूरत भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को इसके ऊपर पेंट भी करना है। थोड़ा सा मेहनत है इसमें, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ सही नहीं भी रहता, तो आप थोड़ा कोशिश करें कि गोल शेप में जो आपके पास हो उसको लगाएं, से आपका शेप सही आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये वीडियो।